नमस्कार, जय हिंद। यहां उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के माननीय प्रतिनिधि और कार्यकर्तागण, उद्योग और प्रौद्योगिकी जगत, बुद्धिजीवी, युवा, विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख और आप सभी श्रोतागण को मेरा यानी स्वरा भास्कर का सादर नमस्कार। आज हम यहां एकत्रित हुए हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और जनता के चहेते श्री राजीव गांधी जी की 75वीं जन्म जयंती के अवसर पर। श्री राजीव गांधी जी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री तो थे ही, कई मायनों में वो एक युग पुरुष भी थे जिन्होंने भारत को एक नई दिशा और ऊर्जा दी। आज मेरे हवाले ये टेलीप्रॉम्प्टर भी एक तरीके से राजीव जी की ही देन है। उनका कहना था कि इंडिया हैज मिस्ड द बस ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इट शुड नॉट नाउ मिस द बस ऑफ द आईटी रेवोल्यूशन, यानी उद्योग क्रांति में भारत शामिल नहीं हो पाया, सूचना तकनीक की क्रांति में अब भारत को शामिल होना पड़ेगा। राजीव जी के कार्यकाल में भारत का डिजिटाइजेशन शुरू हुआ। आज हम सब फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपनी सेल्फियां डाल पाते हैं, टिकटॉक पे अपने जान को जोखिम में डालकर ऐप अपने वीडियोस अपलोड कर पाते हैं, केबल टीवी का आनंद ले पाते हैं। एक तरीके से ये सब और कई और चीजें जैसे हमने देखी श्री राजीव गांधी जी की ही देन है। पूज्य श्री राजीव गांधी जी की अमिट यादें एक डोर के भांति हैं जो लाखों करोड़ों दिलों में समाकर उन्हें पिरोती हैं एक अटूट बंधन में। आज हम सभी यहां एकत्रित हैं इस युग पुरुष की स्मृतियों को एक बार फिर से उजागर करने के लिए, उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए और उन्हें अपनी हार्दिक भावनांजलि अर्पित करने के लिए। एक अतुलनीय जीवन रहा है श्री राजीव गांधी जी का। इसमें उन्होंने एक लौ की तरह प्रज्वलित होकर चारों तरफ उजियारा बिखेरा, उम्मीद जगाई और हमें और इस देश को प्रगति की राह दिखाई। देवियों और सज्जनों, आज का समारोह भी प्रारंभ होगा एक लौ के साथ, युवा ऊर्जा और उम्मीदों से भरे एक सुनहरे भविष्य की लौ। साथियों, अच्छे नेता और अच्छे इंसान दोनों हमेशा दुर्लभ होते हैं, पर एक ही व्यक्ति में इन दोनों खूबियों का प्रस्तुत होना केवल एक अचंभा कहा जा सकता है। वाकया 1980 का है जब जगत प्रसिद्ध बॉक्सर मोहम्मद अली भारत आए थे एक एग्जीबिशन मैच के लिए। मैच नेशनल स्टेडियम में हो रहा था। दर्शकों और स्पोर्ट्स फैंस की लंबी लाइन लगी थी। उसी लाइन में चुपचाप लाइन में पीछे बाकी जनता की तरह चुपचाप खड़े थे एक व्यक्ति। वो तब की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र और एयर इंडिया में एक आम सी नौकरी करने वाले एक आम से व्यक्ति श्री राजीव गांधी जी थे, जो कुछ सालों में ही भारत की बागडोर संभालने वाले थे। ऐसी शराफत थी, ऐसा सहज व्यक्तित्व था राजीव जी का और उनका ये नेक व्यक्तित्व जग जाहिर है। समय ने श्री राजीव गांधी जी की इन खूबियों को दुनिया के सामने भी उजागर किया। भीड़ और हलचल से दूर रहना पसंद करने वाले इस शांतिप्रिय पुरुष ने जब सत्ता संभाली तब हमारा देश बहुत नाजुक स्थितियों से गुजर रहा था। एक निडर नेता बनकर उन्होंने इनका सामना किया और देश की कमान संभाली। राजीव जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे, एक सच्चे नेता थे, एक सच्चे लीडर थे, जो जानते थे कि उनके अपने निजी फायदे से ज्यादा देश का फायदा जरूरी है। बात सन
1987 या 88 की है, 1987 या 88 की, जब ऑपोजिशन और मीडिया बहुत सारे लांछन उछाल रहा था सरकार पर, राजीव गांधी जी पर निजी रूप से। राजीव जी ने पत्रकारों से भागने के बनिस्पत अपने घर पर एक टी पार्टी ऑर्गेनाइज की, और ये वाक्या मुझे उन्हीं पत्रकारों में से एक ने आज ही सुनाया। राजीव गांधी जी ने अपने घर पर एक टी पार्टी ऑर्गेनाइज की, जहां उन्होंने प्रेस एसोसिएशन को आमंत्रित किया। प्रेस एसोसिएशन के एक सदस्य ने राजीव जी को बताया कि ऐसा सुनने में आया है कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार की बिल्डिंग की लीज कैंसिल की जा रही है, और उन्होंने सुना था कि ये दबाव सरकार की तरफ से आया था। इस पत्रकार ने राजीव जी को पूछा कि क्या आप जानते हैं इसके बारे में। राजीव जी ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, क्या मसला है। पत्रकार ने मसला समझाया और उन्हें ये भी बताया कि दिलचस्प बात थी कि बिल्डिंग की लीज तब के जनरल मैनेजर इंडियन एक्सप्रेस अखबार के, जो राजीव गांधी जी के पिता थे, श्री फिरोज गांधी थे, उन्होंने साइन की थी। राजीव जी ने कुछ नहीं कहा, पर हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, और उस अखबार की बिल्डिंग की लीज कैंसिल नहीं हुई। राजीव जी अपने नाना पंडित नेहरू की तरह जानते थे कि किसी भी लोकतंत्र के लिए आजाद मीडिया, आजाद प्रेस कितना जरूरी है, चाहे वो उन्हें निजी रूप से तकलीफ क्यों न दे। काश आज की हमारी सरकार भी उनसे कुछ सीख ले पाती। राजीव जी की कमी बहुत खलती है आजकल। प्रधानमंत्री के रूप में जिंदाबाद। प्रधानमंत्री के रूप में और राजनीतिक रूप में राजीव जी एक प्रबल और प्रभावशाली प्रधानमंत्री थे।